जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसान यूनियन धुमाल जिंदाबाद, जिंदाबाद। लड़ाई है अभी और लड़ाई है। अरे अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। जिंदाबाद। हमारी मांग है पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पर ग्रुप में नहीं चलेगी, प्रशासन की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। किसान धुमाल यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसान यूनियन धुमाल यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो। तो ये कि हमको स्वतंत्रता पूर्वक काम करने दिया जाए, और जैसे कि आपको मालूम है प्रशासन का सबसे पहले नियम है 55 डेसिबल का, जो कि पॉसिबल नहीं है। मैं यदि आपसे अभी बात कर रहा हूँ बिना साउंड सिस्टम के, तो इसका डेसिबल यदि आप नापेंगे तो ये 60 या 70 डेसिबल के ऊपर है। तो उस परिस्थिति में साउंड सिस्टम चलाना तो पॉसिबल नहीं है। तो प्रशासन ने हमको साफ कह दिया है कि यदि आपको बजाना तो 50 डेसिबल से नीचे बजाइए, और यदि इससे ऊपर आप बजाते हैं तो आपका साउंड सिस्टम रास्त होगा, आपके ऊपर आपराधिक धाराएँ लगेंगी, और गाड़ी में भी साउंड सिस्टम बांधना अलाउ नहीं है। पुलिस का किस प्रकार का रवैया है इन सब चीज़ों को लेकर? देखिए, पुलिस के ऊपर तो जो भी दबाव हो वो अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, तो उनका साफ निर्देश है, जो ऊपर से निर्देश आया वो उसका वो पालन कर रहे हैं, उनका कहना यही है। तब तक क्या आप लोगों के हस्ताक्षर? देखिए, जब तक हमारी मांगे या ठोस आश्वासन हमको नहीं मिल जाता, काम करने की छूट नहीं मिल जाती, तब तक ये हड़ताल यथावत जारी रहेगी। और ये हड़ताल राजनांदगांव नहीं, पूरे प्रदेश में है। पूरे प्रदेश में साउंड सिस्टम आपको इस बार विसर्जन ईद मिलादुल नबी का जो त्यौहार है उसमें, और ना धुमाल संचालन होगा इस दौरान। साल भर का लोगों का इंतजार रहता है झांकी का, झांकी पर्व का, अब पूरी झांकी देखने को मिलेगी, क्या कहना है? देखिए, राजनांदगांव की जो परंपरा रही है, राजनांदगांव दो चीज़ के लिए बहुत फेमस है, एक तो झांकी और हाकी, ये आप सभी जानते हैं। तो ये जो झांकी एक पर्व की तरह माना जाता है राजनांदगांव में, और इसका मुख्य आकर्षण होता है साउंड सिस्टम, धुमाल, और जो हम लाइट्स लगाते हैं। जितना लोग झांकी को देखने आते हैं उतना ये साउंड और धुमाल और ये लाइट्स वगैरह भी देखने आते हैं। तो ऑब्वियस है कि इस बार जो हम लोग हड़ताल की घोषणा किए हैं, इस बार ये सब चीज़ें आपको देखने को नहीं मिलेंगी। नियम क्या है और क्या चाहते हैं नियम को बदलना? देखिए, नियम तो आपको सबको जानकारी है कि ये प्रशासन क्या बोल रहा है हमको करने के लिए। तो हम ये चाहते हैं कि भाई, यदि रनिंग में किसी जुलूस में यदि शोभा यात्रा निकल रही है तो साउंड सिस्टम हम हाथ में तो रख के ले बजा नहीं सकते, उसका ऑप्शन है गाड़ी, गाड़ी में तो साउंड सिस्टम लगानी पड़ेगा हमको, तो हमको अलाउ किया जाए गाड़ियों में साउंड सिस्टम लगाने के लिए। और जो 55 डेसिबल वाला नियम है, जो कि ये करीब 70 साल पुराना नियम है, तो हम चाहते हैं कि इसमें संशोधन होना चाहिए। अधिकारी से मिले, क्या कुछ आश्वासन? देखिए, अधिकारियों द्वारा आश्वासन अभी दिया गया है कि हम जल्द से जल्द इसके ऊपर एक बैठक करने जा रहे हैं, और जल्दी से जल्दी इसके ऊपर कोई निराकरण करेंगे। पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। माल और बिजली दोनों एक ही है, दोनों सामाजिक व्यवस्था है, दोनों के व्यापार एक ही है, और दोनों का साथ एक साथ चलता है। साउंड सिस्टम जब तक नहीं रहेगा तब तक धुमाल का कोई काम नहीं, इसलिए सब एक साथ मिलकर इसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।